प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी लैंग्वेज अर्थात भाषा का उपयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इसे हम रिटन या ओरल अर्थात लिखित या मौखिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। बोलचाल में कुछ ऐसे सेंटेंसेस या वाक्य होते हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अक्सर प्रयोग करते हैं। इंग्लिश भाषा में भी ऐसे कई वाक्य हैं जिनके बिना हम अंग्रेजी बोलने या समझने की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ वाक्यों को आज हम सीखेंगे तथा उनका हिंदी अर्थ जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करें। डोंट वरी, फिक्र मत करो, या कोई बात नहीं। कोई बात नहीं के लिए भी डोंट वरी का प्रयोग किया जाता है। दिखाओ मुझे, शो मी। जल्दी करो, लेट्स हरी या हरी अप। सब्र रखो, हैव पेशेंस। इधर देखो, लुक हियर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। और कुछ, एनीथिंग एल्स। इसे दोहराओ, रिपीट इट। शांत हो जाओ, बी क्वाइट। इधर आओ, कम हियर। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मुझे दो, गिव मी। धीरे चलो, वॉक स्लोली। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। रो मत, डोंट क्राई। लिख लो, राइट डाउन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ, आई नो। उठ जाओ, गेट अप। बस ठीक है, इट्स ओके। इसे खाओ, ईट इट। बैठ जाओ, सिट डाउन। कभी नहीं, नेवर। खुश रहो, बी हैप्पी। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। वापस जाओ, गो बैक। मुझे दो, गिव मी। कोई खास बात, एनीथिंग स्पेशल। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। इसे करो, डू इट। मुंह बंद रखो, शट अप। यह पकड़ो, होल्ड इट। वह वाला, दैट वन। बाय बोलो, से गुड बाय। इसे साफ करो, क्लीन इट। यह क्या है, व्हाट इज दिस। रो मत, डोंट क्राई। हिलो मत, डोंट मूव। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। ध्यान से, बी केयरफुल। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। बहुत अच्छे, वेल डन। नहा लो, टेक बाथ। इसे लो, टेक इट। अंदर आओ, कम इन।
यह वाला, दिस वन। फिक्र मत करो, डोंट वरी। प्यारे बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस थे जिन्हें आज हमने देखा। इस कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे। पहले आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए, देखिए और इसे अपनी दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाने का प्रयास करें। इससे धीरे धीरे आप इंग्लिश के कुछ वाक्य सीखेंगे और फिर धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसे और बढ़ाएंगे। तो बस आज यहीं तक। धन्यवाद।